नमस्ते, मैं निशा हूँ और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज बात ना कोरोना की होगी ना किसी धर्म की, आज बात होगी एक राज्य की, उस राज्य की जिसका इतिहास का लोहा तो दुनिया मानती है, लेकिन वर्तमान में अगर उसका नाम कहीं ले लिया जाए तो अचानक से ही नकारात्मक सोच लोगों में बनने लगती है। अगर आप बिहार से हैं और आप कहीं बाहर जाकर पढ़ते या कमाते हैं तो आपके दोस्त वहाँ पर आपको बिहारी कहकर बुलाते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि आप बिहार से हैं, इसलिए क्योंकि उनके नज़रों में आप गंवार और जाहिल होते हो। गंवार और जाहिल शब्द को मैं वापस नहीं लूँगी क्योंकि यही कड़वा सच्चाई है और यह आपको मानना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें UPSC, IAS और IPS की, तो सबसे ज़्यादा छात्र जो हैं वो बिहार के होते हैं और बिहार ये छाती पीट के कहता है कि सबसे ज़्यादा सक्षम छात्र जो हैं वो हमारे यहाँ से ही निकलते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया के नज़रों में हम अशिक्षित हैं। चाहे बात IIT की हो या इंजीनियरिंग की, सबसे ज़्यादा बच्चे बिहार के ही होते हैं जो वहाँ दाखिला लेते हैं। चाहे बात हो आनंद कुमार के सुपर 30 की, जानते ही होंगे बिहार से हैं तो अमेरिका के एक मैगजीन ने आनंद कुमार के सुपर 30 को सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में जगह दिया है, लेकिन फिर भी हम अशिक्षित हैं। बिहार की दिक्कत ये है कि वहाँ पे पलायन का जो लगातार आंकड़ा है वो बढ़ते ही चला जा रहा है, लेकिन वहाँ के पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को मात देने में जुटे हैं, लेकिन कोई पलायन जैसी गंभीर समस्या के ऊपर बात करना ज़रूरी नहीं समझ रहा है। बिहार में पलायन इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे बिजली, सड़क, स्वास्थ्य सुविधाएँ, शिक्षा और सुख सुविधाओं की भी कमी है और यही सच्चाई है। भले ही कितनी सरकारें बदल जाएं, लेकिन बिहार के लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छा सड़क, बढ़िया अस्पताल देने में नाकाम ही रहा है। वहीं अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के मामले में बिहार तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जहां की जनसंख्या करीब 12 करोड़ है और उन 12 करोड़ में लगभग 3 करोड़ लोग युवा हैं, वो युवा जो बिहार को बदलने के लिए बड़े ही जज्बे के साथ खड़े होते हैं और मादा भी रखते हैं। आप ही सोचिए कि उनके मन में प्रश्न क्यों ना हो, क्योंकि ना तो वहाँ पे IT सेक्टर है, ना ही कोई स्टार्टअप जहाँ पे पढ़ने के बाद वो काम कर लेंगे। प्लेसमेंट के नाम पे क्या होता है वो आपको पता ही है। तो इतने सारे दिक्कत हैं लेकिन समाधान एक भी नहीं है। वहीं अगर हम बात करें पलायन की, तो बिहार के 50 लाख लोग ऐसे हैं जो देश के अलग अलग राज्यों में काम करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा दिल्ली, मुंबई और पंजाब में है। वहीं अगर हम बात करें 2017 के आंकड़ों की, तो करीब 15 दिनों में 75,000 लोग बिहार से पलायन करते हैं। अब ये इतना बड़ा दिक्कत, लेकिन सरकार की नज़र इसकी तरफ जाती ही नहीं है, वो इसको कोई बड़ा मुद्दा समझते ही नहीं है। अगर बिहार में ही रोजगार और शिक्षा की सुविधाएं बढ़िया होती तो लोग क्यों छोड़ते बिहार? इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इतने बड़े राज्य में मात्र 3,500 इंडस्ट्री है, तो रोजगार के नाम पे बिहार के लोगों को क्या मिल रहा है? बिहार को या किसी भी राज्य को बढ़ाने के लिए वहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, वहाँ के शिक्षक खुश होने चाहिए, वहाँ के विद्यार्थी खुश होने चाहिए। UP के बाद MP के भी बच्चों को कल कोटा से वापस बुला लिया गया है, लेकिन बिहार के बच्चे अभी भी कोटा में फंसे हुए हैं। MP के बच्चों ने आने के बाद सीधा निशाना साधा बिहार सरकार पर और कहा है कि वहाँ पर बच्चे परेशान हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, उल्टा और तबीयत खराब हो जाएगी, नीतीश सरकार को भी वहाँ से बच्चों को बुला लेना चाहिए। तो जब सरकार को बढ़ाने के लिए शिक्षक और विद्यार्थियों को खुश रखना होता है और ये दोनों ही बिहार सरकार से खुश नहीं हैं, तो कैसे बढ़ेगा बिहार? हाल ही में एक वीडियो सामने आया जहाँ पे नियोजित शिक्षक, जिसका एपिसोड चला रहे हमारे साथी प्रशांत राय, वहाँ के शिक्षकों ने नीतीश कुमार के लिए हवन किया इसलिए ताकि उनको सद्बुद्धि मिले। तो बिहार किस तरफ बढ़ रहा है ये आप खुद देखिए। फिलहाल जितने भी लोग ये कहते हैं ना कि हम बड़ा डिग्री लेके बड़े उपाधि पे बैठ के बिहार को बदलेंगे, तो कुछ साल में वो खुद ही भी बदल जाते हैं, लेकिन बिहार नहीं बदलता है। तो फिलहाल बिहार को बदलना होगा, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदलनी होगी, वहाँ के सुख सुविधाओं को बढ़िया करना पड़ेगा, अस्पताल को अच्छा करना पड़ेगा और बिहार को वो राज्य बनना पड़ेगा कि गर्व से सारे बिहारी कह सके कि हाँ हम बिहारी हैं। हालांकि अभी भी 60% लोग ऐसे हैं जिनको बिहारी होने पे गर्व है, लेकिन वो इन सब सच्चाई को ठुकरा भी नहीं सकते हैं कि ये कमी है बिहार में, उद्योगों की कमी, सुख सुविधाओं की कमी, शिक्षा की कमी, जिस पे काम करना वहाँ के सरकार को ही पड़ेगा। तो अब बिहार की जनसंख्या 12 करोड़ है, जिनमें से 3 करोड़ जो हैं वो युवा हैं, वही युवा जो देश को और अपने राज्य को बदलने का हिम्मत रखते हैं, लेकिन उन युवाओं के लिए सरकार क्या कर रही है ये आप खुद सोचिए।
वहाँ पे 17% लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, 27% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे का ज़िंदगी जी रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें वहाँ की साक्षरता की तो करीब 63% लोग वहाँ पे साक्षर हो रहे हैं। हालांकि पिछले साल के मुकाबले ये आंकड़ा फिर भी सही हुआ है, लेकिन अन्य राज्यों के मुकाबले ये फिर भी कम है। बिहार की काबिलियत के आगे ये आंकड़े अफसोसजनक है। ये आप खुद देखिए, वहाँ पे रोजगार का कमी क्यों है? बिहार से हैं तो जानते ही होंगे कि वहाँ अगर आपका ट्रैक्टर हो या पान का गुमटी हो, ट्रैक्टर होगा तो ट्रैक्टर उठा के ले जाएंगे, अगर पान का छोटा सा गुमटी होगा तो पान मुंह में दबा के चले जाएंगे, लेकिन पैसा नहीं देंगे। रंगदार वहाँ पे ज़्यादा है, या आप बिहार से होंगे तो बखूबी पता होगा। वहीं अगर हम बात करें वहाँ की शिक्षा की तो बिहार में जितने भी सरकारी स्कूल हैं वो शिक्षा के नाम पर केवल सांसें ही गिन रही हैं। वहाँ के शिक्षक पढ़ाई के नाम पर सब कुछ कर रहे हैं लेकिन सिर्फ पढ़ा नहीं रहे हैं। ये मैं उन शिक्षकों के लिए नहीं कह रही हूँ, वहाँ पे ऐसे भी शिक्षक हैं जो पढ़ा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर शिक्षक वही हैं सरकारी स्कूल में जो पढ़ाना छोड़ करके अन्य सारे काम कर रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ के कानून में ढिलाई है। वहाँ पे ऐसा कानून नहीं है कि आपको सख्ती से स्कूल टाइम से आना है, बच्चों को पढ़ाना है और टाइम से ही घर जाना है। अगर ये कानून हो जाए, अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाए तो शायद बिहार सुधर जाए। तो अब की बार जब सरकार चुनिएगा तो इसलिए नहीं चुनिएगा ताकि वो कुर्सी पे बैठ के सिर्फ भाषण दे सके, इसलिए चुनिएगा ताकि वो आपको शिक्षा भी दे सके और बढ़िया रोजगार भी दे सके। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मैं थी आपके साथ निशा, और इसी तरह की तमाम खबरों को लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक करिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।